वेलकम एवरीबडी। टुडे इन दिस लेसन वी विल बी लर्निंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। और एडवेंट ऑफ यूरोपियन में जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आती है और अपना व्यापार एस्टैब्लिश करती है उसके बारे में टॉपिक होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ जानने से पहले, कुछ बात करने से पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई नेम इज़ कृणाल पी ठाकुर एंड आई एम एन एजुकेटर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई UPSC। And by qualification, I am LLB, LLM with business law, and I'm teaching for the civil services since 2011. ये modern history की series चल रही है और इसमें सारे topics cover होंगे आपके examination point of view, और आपको अगर knowledge चाहिए तो उसके लिए भी ये आपको helpful रहेगा। तो आज का जो topic है वो है, आज का topic जो है वो है East India Company, British East India Company, East India कंपनी के बारे में है, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। इससे पहले जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने पोर्टुगीज की बात की थी, उसके बाद हमने डच की बात की थी, और उसके बाद डेनिश की बात की थी। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी बात करेंगे, और लास्ट वीडियो जो होगा वो फ्रेंच के बारे में होगा, हम फ्रेंच के बारे में बात करेंगे। तो चलो आज हम देखते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश, तो वहाँ पे जब ये कंपनी बनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आएगी और इकोनॉमिक पावर से ये पॉलिटिकल पावर बनेगी और 200 साल तक राज करेगी। ये कंपनी जब बनी तब जो क्वीन थे वहाँ पे मोनार्क थे वो थे क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। सो उन्होंने चार्टर ग्रांट किया था और ये कंपनी बनी थी। कैसे? तो देखो, कंपनी बनने से पहले दो इवेंट हुए थे जो महत्वपूर्ण हैं कि ब्रिटिश को दो इवेंट एक्सपीरियंस होते हैं, दो घटनाएँ होती हैं। पहली घटना ये होती है और दूसरी घटना होती है, और दोनों घटनाओं से उनको एक नया सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको सेंस ऑफ एंटरप्राइज मिलता है ब्रिटिश के अंदर। तो पहली घटना जो थी वो ये थी, फ्रांसिस ड्रेक वॉयज कि उनका एक जहाज़ों का बेड़ा जो है वो दुनिया घूमने में, मतलब ऐसे समुद्र में जाना और दूर दूर तक जाने में कामयाब रहता है। सो फ्रांसिस ड्रेक्स वॉयज अराउंड द वर्ल्ड इन 1580 दैट वॉज लाइक सक्सेसफुल। एंड देन दूसरी घटना ये कि इंग्लिश विक्ट्री ओवर स्पेनिश अर्मडा इन 1588। तो इस लड़ाई में इनको जीत मिलती है और उसके कारण उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। द एंड इट दिस इवेंट एनकरेज देयर सेलर टू वेंचर आउट टू द ईस्ट कि और ज़्यादा ईस्ट में समुंदर के रास्ते से जा सकते हैं और वो वेंचर करके सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो कंपनी बनाएंगे। और दूसरी घटना ये है कि नॉलेज बढ़ने लगा था उस टाइम पे, और जो पोर्टुगीज भारत आए थे और जो जल मार्ग था उसका भी नॉलेज उनको मिलता है, और उनको ये भी नॉलेज मिलता है कि प्रॉफिट बहुत है, जो ऐसे व्यापार करोगे तो प्रॉफिट बहुत है। सो नॉलेज ग्रू ऑफ दी हाई प्रॉफिट ऑन ऑफ दी पोर्टुगीज ऑफ ईस्टर्न ट्रेड। तो पोर्टुगीज ईस्टर्न साइड आए थे, भारत आए, व्यापार किया और बहुत प्रॉफिट कमाए, इसका नॉलेज इनको मिला। इसलिए जो ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे उनको भी ऐसे ट्रेड में अपना शेयर चाहिए था, उनको भी व्यापार करना था। इसीलिए फिर उन्होंने यहाँ पे कंपनी बनाने का सोचा। तो देखो 1599 में एक ग्रुप आया, ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, कुछ व्यापारी, दे कॉल देमसेल्स मर्चेंट एडवेंचरर, वो अपने आप को मर्चेंट एडवेंचरर कहते हैं, कुछ साहसी मर्चेंट, और उन्होंने एक कंपनी बनाई 1599 में, और उनको चार्टर उनको जो है परमिशन मिली 31 दिसंबर 1600 में। तो हम बोल सकते हैं ये कंपनी जो है वो फॉर्म हुई 1600 में, 31 दिसंबर और 1600 में, और क्वीन थे क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने चार्टर ग्रांट किया विद द राइट ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेड टू द कंपनी, कि कंपनी को, सिर्फ कंपनी को ही ये राइट होगा, एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, और कोई कंपनी नहीं आ सकती है, और कोई व्यापारी नहीं आ सकता है। कोई भी आएगा अगर उस देश से तो ये कंपनी ही आ सकती है। तो उनको एक्सक्लूसिव ट्रेड करने का एक हक मिलता है, राइट मिलता है। इट नेम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ये नाम रखा जाता है, टू ट्रेड इन टू द ईस्ट इंडीज, ईस्टर्न साइड पे आके, इंडिया इंडिया जो है वो ईस्टर्न साइड पे है, तो ईस्ट इंडीज आके वो यहाँ व्यापार करेंगे, प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद इनिशियली मोनोपोली वॉज गिवन, एकाधिकार दिया गया फॉर द 15 ईयर्स, मोनोपोली 15 ईयर्स ग्रांटेड, विच इन मे 1609 इट वॉज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली बाई द फ्रेश चार्टर, कि एक नया चार्टर इश्यू होगा और ये मोनोपोली जो है वो एक्सटेंड होती रहेगी। कब तक? वो जितने समय तक चाहे उतने समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तरह का एकाधिकार का उनको हक मिल गया। अब देखो,
जैसे पहले से ही ईस्टर्न साइड पे जो समुंदर थे, जो मलेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे पहले से ही डच जो थे वो कंसंट्रेट कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, वहाँ पे मसालों का ट्रेड कर रहे थे. सो एज डच वर ऑलरेडी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन ईस्ट इंडीज, इंग्लिश टर्न टू इंडिया. वो भारत आ गए, ब्रिटिश जो है वो भारत आ गए इन सर्च ऑफ टेक्सटाइल एंड अदर कॉमोडिटीज ऑफ द ट्रेड. तो उनको लगा कि ठीक है, हम कपड़ों में व्यापार कर लेंगे, कपड़ों में और दूसरी कॉमोडिटी में भारत से व्यापार कर लेंगे, चलो भारत में जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. और इसके लिए कैप्टन हॉकिंग्स जो है वो जहांगीर के दरबार में आते हैं. यहाँ पे मुगल शहंशाह कौन थे? जहांगीर थे. तो अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंग्स आते हैं ताकि उनको परमिशन मिले. हॉकिंग्स आए, जब पहले आए तो उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी एस्टैब्लिश की सूरत में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए. क्यों सक्सेस नहीं हो पाए? क्योंकि उनको अपोज करने वाली दूसरी कंपनी थी पहले जो एस्टैब्लिश थी, वो पोर्टुगीज थी. तो पोर्टुगीज ने उसको अपोज किया, उनको परेशान किया. तो ब्रिटिश यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते, इसीलिए हॉकिंग्स जो है वो आगरा छोड़ देते हैं, जहांगीर के दरबार को छोड़ देते हैं 1611 में, नवंबर में, और ये वापस ब्रिटेन चले जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद 1611 में ये वापस आते हैं, ब्रिटिश वापस आते हैं. इंग्लिश हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग एट मसलीपट्टनम, ये वापस आते हैं, फिर से ट्रेड करना शुरू करते हैं, और साउथ इंडिया में मसलीपट्टनम में वो ट्रेड करना शुरू करते हैं, इन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के साउथ ईस्ट कोस्टल एरिया में वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं. एंड देन लेटर दे एस्टैब्लिश देयर अ फैक्ट्री. पहले ट्रेड किया और उसके बाद जब उनको अच्छा मौका मिला तो उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश कर दी. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट, इनका नाम याद रखिएगा कौन आया था, तो कैप्टन थॉमस बेस्ट ब्रिटेन से आते हैं, दो शिप लेके आते हैं, ड्रैगन एंड ओसियांडर, और वो यहाँ पे जो पोर्टुगीज के जहाज होते हैं उनके साथ लड़ाई करते हैं. एंड दे डिफीटेड पोर्टुगीज, पोर्टुगीज बहुत पावरफुल होते हैं उस जमाने में, लेकिन पोर्टुगीज को हराने वाले अंग्रेज थे. तो कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं, पोर्टुगीज को हराते हैं और सूरत में अपनी जीत यहाँ पे दर्ज करते हैं. जब ये घटना देखी जाती है तो यहाँ पे जो बादशाह होते हैं वो जहांगीर होते हैं, जहांगीर इंप्रेस हो जाते हैं ये देख के, और इंप्रेस होने के बाद वो परमिशन दे देता है अंग्रेजों को कि वो अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करे. तो 1613 में सूरत में जो ब्रिटिशर है वो अपनी कंपनी यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं, अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं अंडर थॉमस एडवर्थ. थॉमस एडवर्थ के अंदर वो अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री जो है वो सूरत में एस्टैब्लिश कर देते हैं. उसके बाद 1615 में सर थॉमस रोए, ये एम्बेसेडर है जेम्स प्रथम के, जेम्स प्रथम प्रथम जो ब्रिटेन के राजा है, वो एज ए एम्बेसेडर आते हैं, जहांगीर की कोर्ट में आते हैं, और जहांगीर की कोर्ट में आके वहीं पे स्टे करते हैं, और फरवरी 1609 तक यहाँ पे रहते हैं, और जहांगीर से बहुत सारे कंसेशन और परमिशन लेने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे एकदम से थॉमस रो जो है वो सक्सेसफुल तो नहीं रहते, जो भी मांगा था सब कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो कुछ कॉमर्शियल ट्रीटी जो है वो मुगल एम्परर के साथ साइन करवा लेते हैं, मुगल एम्परर को मना लेते हैं और कुछ कुछ अधिकार जो है वो ले लेते हैं. उसके बाद क्या होता है, ही हैज एबल, इसके कारण ही हैज एबल टू सिक्योर नंबर ऑफ प्रिविलेजेस, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं और परमिशंस भी मिलती है टू सेट अप फैक्ट्री इन आगरा. आगरा में अपनी फैक्ट्री खोली, अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्री खोली जाती है, और भरूच में उनकी फैक्ट्री जो है वो खोली जाती है. तो इस तरीके से अंग्रेज जो है वो भारत में अपना फुट होल्ड मजबूत करते हैं, अपने पैर जमा देते हैं. इंग्लिश कंपनी डिड नॉट हैव स्मूथ प्रोग्रेस. इनिशियली हम बोल सकते हैं कि उनका इतना स्मूथ प्रोग्रेस नहीं था, लेकिन बाद में उनका प्रोग्रेस इतना अच्छा रहा कि उन्होंने राजी कर लिया. तो क्या हुआ था, इट हैड टू कंटेंड विद द पोर्टुगीज एंड डच. तो उनके राइवल थे पहले से बसने वाले पोर्टुगीज, और उसके बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों के साथ उनको लड़ाई करनी पड़ी और बाद में फ्रेंच से भी लड़ाई करनी पड़ी. बट चेंजिंग सिचुएशन, जो भारत की सिचुएशन चेंज हो रही थी, वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज हो रही थी, उन्होंने अंग्रेजों को बहुत मदद की और सारी चीजें जो है वो उनके फेवर में चली गई. बॉम्बे हैड बीन गिफ्टेड. क्या हुआ था, बॉम्बे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बॉम्बे जो है उनको दहेज में मिला था, अंग्रेजों को बॉम्बे दहेज में मिला था. जी हाँ, कैसे, तो बॉम्बे को गिफ्ट किया गया था, जो चार्ल्स टू जो राजा थे, ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स टू, उनको गिफ्ट में मिला था, एज ए डाउरी में मिला था. किसने दिया था, किंग ऑफ पोर्टुगल, पोर्टुगल के राजा ने डावरी में दिया था, क्योंकि पोर्टुगल की जो उनकी बेटी थी, जो राजकुमारी थी, उनकी शादी जो है वो ब्रिटेन के राजा से हुई थी, इसीलिए. तो चार्ल्स जो है, प्रिंस चार्ल्स मैरी पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन, तो
तो चार्ल्स की शादी जब कैथरीन के साथ होती है, तो कैथरीन के पिताजी जो पोर्टुगीज है, पोर्टुगीज एम्परर है, वो बॉम्बे को, उनके पास बॉम्बे होता है, तो बॉम्बे को एज ए डाउरी, एज ए गिफ्ट जो है वो अंग्रेजों को दिया जाता है। कब? तो 1662 में। तो बॉम्बे डाउरी में चला गया अंग्रेजों के पास, और एक एक है कि पोर्टुगीज से उनका संबंध भी अच्छा हो गया। सो बॉम्बे वॉज गिवन ओवर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, हर साल एनुअल पेमेंट देती थी, कितना, सिर्फ 10 पाउंड, 10 पाउंड ओनली इन 1668। तो 1668 से 10 पाउंड दिया जाता था हर साल का, और भाड़े पे बॉम्बे जो है उनको मिल गया था, एज ए डाउरी उनको मिल गया था। लेटर बॉम्बे को उन्होंने बाद में कैपिटल बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया। इससे पहले अंग्रेजों का कैपिटल क्या था, सूरत था। तो सूरत जो था उसको बदल के अब ये बॉम्बे को कैपिटल बनाते हैं, हेडक्वार्टर बनाते हैं, और बॉम्बे को ही प्रेसिडेंसी भी बना देते हैं। तो उनका मुख्य केंद्र जो है वो बॉम्बे हो जाता है। सो इस कारण, इस घटना के कारण एक तरह का स्ट्रेटेजिक टैसिट पीस, मतलब शांति कायम हो जाती है अंग्रेजों और पोर्टुगीज के बीच में। तो इस तरीके से एक राइवल जो है उनको वो साइड कर देते हैं, प्यार से साइड पे कर देते हैं। उसके बाद दूसरा चैलेंज होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये डच हम पढ़ रहे थे तब, तो कवर किया था, आज भी देख लेते हैं। तो देखो, देर वॉज ऑल्सो एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज। एंग्लो मतलब अंग्रेजों के और डच के बीच में बहुत सारी राइवलरी होती है, और उसके बाद उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और उस एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है कि डच जो है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनका जो भारत में एक्टिविटी है उसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे। और अंग्रेज जो है वो रेडी हो जाते हैं, वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, आपका जो लाइक साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया में जो आपकी जगह है वहां पे हम इंटरफियर नहीं करेंगे। इस तरीके से अदला बदली हो जाती है, और अंग्रेज जो है वो इंडिया में इन दोनों कंपनियों से, जो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, उन दोनों से मतलब शांति पाते हैं। रीड ऑफ द टू आर्क राइवल्स इन इंडिया, दोनों से उनको शांति मिल जाती है, और वो भारत में अपने व्यापार पे फोकस कर पाएंगे। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इम्प्रूव्ड, उनकी जो पोजिशन थी वो इम्प्रूव हो जाती है बाई द गोल्डन फरमान। तो गोलकंडा के एक सुल्तान होते हैं, तो वो सुल्तान जो है बहुत सारे अधिकार देते थे कंपनी को, जिसे गोल्डन फरमान भी कहा जाता है। तो गोल्डन फरमान जो है वो सुल्तान ऑफ गोलकंडा उनको 1632 में कंपनी को देते हैं। इसके कारण उनको व्यापार करने की बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। आइए देखते हैं क्या ये फरमान में था मेन बात। तो देखो, ऑन पेमेंट ऑफ 500 पैगोडा अयर, कि उनको क्या करना है, बस एक साल के 500 पैगोडा जो है वो चुकाने हैं, और उसके बदले में दे अर्न द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकंडा। तो गोलकंडा का जो पोर्ट है वहाँ पे पूरे साल वो फ्रीली, कोई भी ड्यूटी नहीं पे करनी, और उनको फ्रीली ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। बस बदले में क्या करना था, 500 पैगोडा एक साल का उनको भरना था, और इसके कारण उनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आती है, कैसे उसे परमिशन मिलती है, और पोर्टुगीज और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसके बाद कैसे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कैसे वो एग्रीमेंट करती है, और उसके बाद गोलकोंडा के सुल्तान उनको जो फरमान देती है उनके कारण उनकी पोजीशन स्ट्रांग होती है, उसकी हमने बात की। अब हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। इस एमसीक्यू के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसके बाद मेरे आंसर के साथ आप मैच कर सकते हो। तो देखो, पहला सवाल है, व्हेन डिड क्वीन एलिजाबेथ वन इश्यू चार्टर ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट टू इंग्लिश मर्चेंट इन द ईस्ट इंडीज। क्या 1599 ए ऑप्शन है, बी 1600, सी 1609, या डी 1612। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है बी 1600 में उनको परमिशन मिली थी, चार्टर मिला था। तो देखो, बी 1600 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश सी कैप्टन डिफीटेड द पोर्टुगीज इन 1612 गेनिंग परमिशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन सूरत। कौन से कैप्टन ने पोर्टुगीज को हराया था 1612 में सूरत के पास? तो ऑप्शन ए है फ्रांसिस ड्रेक, बी है कैप्टन हॉकिंग्स, सी है थॉमस बेस्ट, डी है सर थॉमस रो। आंसर है यहाँ पे सी, थॉमस बेस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकेशन रिप्लेस मसलीपुट्टनम एज द हेडक्वार्टर ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया। तो भाई बताइए कि पहले उनका मसलीपट्टनम था, लेकिन कौन सा लोकेशन इसको बदल के एक इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाता है? ऑप्शन ए है मद्रास, बी है बालासोर, सी है हरीरापुर, और डी है अहमदाबाद। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मद्रास है, द करेक्ट आंसर इज मद्रास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। बंगाल में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट और गवर्नर कौन है? ए फ्रांसिस डे, बी विलियम हेज, सी
सी जॉब चारनोक, डी जॉन सुरविन। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है विलियम हेज, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसका PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा, इसका लिंक भेज दूंगा। और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इसका दूसरा भाग जो है, क्या भारत में वो कौन सी एक्टिविटी चलाती है ताकि वो यहाँ पे पावरफुल पोजिशन में आ जाती है, उसका दूसरा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।